कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था कि ये मैं एक न्यू फीमेल लेके आया हूँ, ये आपके सामने ये बैठी हुई है सामने आगे वाली, ठीक है, ये मैं न्यू लेके आया हूँ डायमंड एफ की फ़ीमेल। एक दोस्त के पास पड़ी हुई थी, उससे मैंने उठा ली थी, तो मैंने कहा चलें। तो मैंने आपसे उस दिन ये पूछा था कि मैं इसके लिए कौन सा मेल लेके आऊँ, तो काफ़ी सारे भाइयों ने यही कमेंट बॉक्स में ये कहा था कि भाई आप रेड टेल डव लेके आएँ, उससे ये होगा कि आपकी जो कॉलोनी है एवरी है उसमें ये खूबसूरत लगेगी। तो मैंने सोचा है कि आज हम अपनी डायमंड डव के लिए दोस्तों मेल लेने जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी खुशी हो रही होगी। तो चलें, बाकी वीडियो सुनने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँच ही रहें। तो बाकी चलें मार्केट चलते हैं और मार्केट जाके मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा काफ़ी थोड़े बहुत बर्ड्स दिखाने के, कौन कौन से परिंदे मार्केट में आए हुए हैं। तो बाकी मैं मार्केट की भी छोटी सी एक वीडियो बना लूँगा, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो चलें दोस्तों मार्केट चलते हैं अपने डायमंड डव का मेल लेने, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे रेड टेल डव मिले। तो चलें दोस्तों चलते हैं मार्केट। ये देखो दोस्तों माशाल्लाह से हम अब आए हैं एक इसमें, तो ये इसमें परिंदे रखे हुए माशाल्लाह आप देख सकते हैं बजीज, ये देखें। इसके अलावा ये कोकल और यहाँ पे कुछ कबूतर शबूतर रखे हुए हैं। ये रेड आइज बजीज है, एक यहाँ पे भी ये देखें, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें रेड आइज में से एक निकला हुआ है, ब्लैक का ही बजी है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये पीछे वाला मेल जो बैठा है ना, ये रेड आइज में से निकला हुआ है लेकिन है ये ब्लैक ही। दोस्तों माशाल्लाह से मैंने मेल ले लिया और माशाल्लाह देख सकते हैं आप रेड टेल मेल मिल गया मुझे, तो अभी तो फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको घर जाके इसमें दिखाता हूँ, जब अपनी आइवरी में छोड़ूंगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं
घर आ चुका हूँ और माशाल्लाह से हमारी डायमंड हब, दोस्तों ये देखें, ये मैं अपनी डायमंड हब ले आया हूँ उसमें, तो ये देखें आप, रेड टेल डब लेके आया हूँ मैं, ये देखें आप। तो पहले मैं इसको कलून में छोड़ दूँगी, जाली में ये फ़िलहाल अभी इसमें जो है नज़र नहीं आ रहा क्लियर से, तो पहले मैं इसको आपको निकाल के और रिलीज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की लग रही। बाकी हमारी जो दूसरी डायमंड हब है दोस्तों, ये देखें वो सामने बैठी हुई है, और जो दूसरी वाली है वो ऊपर बैठी है, देखें ज़रा ये बैठी है। तो चलें कॉलोनी के अंदर चलते हैं अपनी, और इसको मैं रिलीज़ करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की लग रही है ये। तो दोस्तों मैं इसको आपको पकड़ के दिखाता हूँ कि किस तरीके की ये हमारी डायमंड डब है दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह मेल है, ठीक है। तो चलें मैं इसको छोड़ता हूँ, ये मेरी उंगली पे बैठा हुआ दोस्तों, डर नहीं रहा ये। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है हमारी दोस्तों एवरी में हमारी डायमंड अब, ये देखें। तो इसको मैं उड़ा के थोड़ा सा उधर को भेजता हूँ, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी डायमंड आप किस तरीके की लगी। तो जिन जिन भाइयों ने कहा था कि भाई आप रेड टेल डब लेके आना, तो माशाल्लाह से मैं दोस्तों रेड टेल डब ले आया हूँ आपके कहने पर, ये देखें ज़रा। काफ़ी मैं वहाँ पे फिरा लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी सारी की सारी, वहाँ पर वाइट टेल डब थी लेकिन मैंने ढूँढ के दोस्तों रेड टेल डब ले लिया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं ये। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपने लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी डब कैसी लगी। तो इंशाल्लाह जो हमारी अब एक फ़ीमेल रह गई थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से उसके साथ दोस्तों पेयर लगा लेगा और हमारे यहाँ पे और डायमंड डब्स आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।